क्रांतिकारी जय भीम, जय वाल्मीकि। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि ये जो मामला आगरे के अंदर जो घटित हुआ है, सुबह से पुलिस ने अफरा तफरी मचा रखी है और लगभग आप जानते हैं पूरे उत्तर प्रदेश में सैकड़ों हत्याएं पुलिस कस्टडी में हुई है। लेकिन ये आप चेहरा देखिए, इस बच्ची ने कुछ नहीं बिगाड़ा था इस पुलिस प्रशासन का, इस सरकार का। तीन तीन बच्चे, पत्नियों को मारा, माओ को मारा, घर में तमाम इन्होंने परेशानियां दिक्कत दे दी। साथियों, आंखों से आंसू हैं, लेकिन मैं सत्य बोल रहा हूं कि मुझसे जो भी बन पड़ेगा मैं बिल्कुल करूंगा। और इसी आगरा की सरजमी से, इसी जगह से मैं बैठ के सौगंध खा रहा हूं इस बच्ची की। जो भी दोषी होंगे वो बख्से नहीं जाएंगे। और जल्दी आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी इसी घर पर होंगे, दो दिन में, तीन दिन के अंदर, दो दिन के ही अंदर होंगे इस घर पे, या कल ही होंगे, जरूरत पड़ेगी तो। साथियों, जिस तरीके से अत्याचार उत्पीड़न तमाम हो रहा है, हम आ गए, चले गए, लोग आए, तमाम आए होंगे, नेता तमाम आए होंगे, सब चले जाएंगे, लेकिन कोई भी काम नहीं करेगा सही ढंग से, कोई भी इस परिवार को न्याय नहीं दिलाएगा। लेकिन मैं इस बात की घोषणा करता हूं यहां से कि भीम आदमी आगरा इस पूरे थाने पर 302 का मुकदमा दर्ज कराएगी। अगर ये थाना नहीं करेगा तो हम कोर्ट से करवाएंगे, क्योंकि न्याय अभी जिंदा है, इंसाफ अभी जिंदा है, और हम लड़ेंगे, संघर्ष के साथ लड़ेंगे। तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, पूरी वाक्य आपने सुना, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी के आदेशानुसार, आदरणीय बड़े भाई चंद्रशेखर जी के आदेशानुसार, बड़ी मुश्किल से, परेशानी से यहाँ घर तक पहुँच पाया हूँ, अपने साथियों को लेकर, अपने कार्यकर्ताओं को लेकर, संगठन के कार्यकर्ताओं को लेकर। तो साथियों, इतनी पीड़ा, इतनी दुख और वेदना की बात है कि इतना कुछ इस जंगल राज में घट रहा है, और आज भी अगर हम नहीं समझे तो कब समझेंगे।